हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑसम फूड में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेहद स्वादिष्ट अरवी की सूखी सब्जी। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाओगे तो आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून बेसन, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अदरक घिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर नमक स्वाद के हिसाब से, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को काट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। यहाँ मैंने 500 ग्राम घुइयां लिया है, इसे अच्छे से धुलकर उबाल लिया है। इसे हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है। अब इसे अच्छे से हम छील लिए हैं। अब ठंडा हो गया है तो इसे हम कट कर लेते हैं। आप जैसी चाहो उस शेप में इसे कट कर सकते हो। मैं स्लाइस में इसे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको लंबे में भी कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी शेप इसे रखना चाहते हैं। ये देखिए सारी घुइयां हमारी कट गई है। अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए 1 कढ़ाई लिया है। 1 कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी का फ्रेंड्स अरवी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तब ज़रूर ऐड करें घी को। तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, कुटी हुई धनिया भी ऐड कर देंगे, हींग डाल देंगे। अदरक को भी ऐड करके लगभग 20 से 30 सेकंड तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक हमारी थोड़ी सी भुन गई है, अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। तिल भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को वापस से 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और जला जला सा स्वाद आएगा। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, इसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए सारे हमारे स्पाइसेस अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें बेसन को ऐड कर देंगे और बेसन को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि ये भी बढ़िया से भुन जाए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। एक से दो मिनट बेसन को भुनने के बाद अब देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सौंफ पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, आमचूर। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से बेसन के साथ में हमारे कुक हो जाएं और इसमें कोई भी कच्चापन ना हो। नमक भी डाल देंगे। आज को मैंने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं करना है फ्लेम को। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें जो हमने अरवी काट के रखी थी उसे भी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। फ्रेंड्स, मेरी घुइयां गलती से ओवर कुक हो गई, इसमें 2 सीटी लग गई थी, बट आप जब भी कुक करें तो सिर्फ 1 सीटी लगाएं, उसमें परफेक्ट कुक होगी और एकदम खिली खिली घुइयां हमारी बनकर तैयार होगी। इसे अच्छे से टॉस कर लेते हैं। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि घुइयां हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाए और मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए घुइयां के साथ में। इसे हम टॉस करते हुए मिक्स करके भुनेंगे। आज को मैंने मीडियम टू हाई कर रखा है। ये देखिए बढ़िया से ये भुन गया है। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, आप हरा धनिया इसमें अगर है तो आपके पास बहुत सारा ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हरा धनिया का फ्लेवर इसके साथ में। बस इसे 1 मिनट हम और कुक कर लेंगे। अब हमारी घुइयां खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
इसे भी हम टॉस के साथ टॉस करके मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसका। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अरवी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने पे भी ये सुपर टेस्टी होती है। अब तो ज़रूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपकी अरवी की सब्ज़ी आपके घर में कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरी आईडी awesomefood10 से है।